छोटे भाई छोटी बहन, मुश्किल से क्लास 10 की कहानी खत्म हुई तो 11th की शुरू। और अब बड़ा सवाल है सामने कि कौन सी स्ट्रीम ले गुरु। मेरी कहानियां सुनकर तो आर्टिस्ट बनने का मन करेगा, पर तुम्हारे अंदर शेक्सपियर है या सुंदर पिचाई कैसे पता चलेगा? वेल, नोटबुक का लास्ट पेज खोलो और ये 3 सिंपल से स्टेप्स कर डालो। स्टेप 1, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन। बचपन से लेके आज तक वो कौन सी 5 चीजें थी जिसे तुम्हें करने में बहुत मजा आता था और आज भी तुम उसको एवरेज लेवल पर कर सकते हो। स्टेप 2, एलिमिनेशन। अब उन 5 चीजों की हमारी इस दुनिया में क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको समझो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें बात करना पसंद है तो एक टॉप आरजे या कपिल जैसा एक टॉक शो होस्ट मैक्स पॉसिबिलिटी हुई, पर अगर सिर्फ शिनशान देखना पसंद है तो उस काम को एलिमिनेट कर दो। एंड फाइनली स्टेप 3, अब सिर्फ एक या दो चीजें लिस्ट पर बची होगी तो गूगल पर सर्च करो कि ये 2 चीजें जिनमें मुझे बहुत मजा भी आता है और मैं अच्छा भी हूँ, उस फील्ड का लेजेंड कौन है और उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या एजुकेशन और क्वालिफिकेशन लिया था। सिर्फ स्ट्रीम ही नहीं, नेक्स्ट 10 साल का रोड मैप मिल जाएगा। तो कमेंट में बताना जरूर तुम कौन सी स्ट्रीम लेके क्या बनोगे।